किया लेख का अनावरण हमारे कि आप लोगों को सिरोही के लोगों को जो इलाज के लिए निकले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे नगर परिषद का जोरदार तालियां बजा कर मेरा विधायक जी से एक ही निवेदन है नागरिक अपने वोट से सरकार बनाते हैं और अपने वोट से ही सरकार हटाते हैं और सरकार बनाते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि वो हमारे क्षेत्र को हमारे परिवार को हमारे प्रदेश को नई ऊंचाई की तरफ ले जाए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रहनुमाई में राजस्थान भारतवर्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज यदि आप पूरे भारत के राज्यों के जीडीपी का कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ी हो गई, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे जरूरी काम होता है कि प्रदेश के हर नागरिक की आमदनी बढ़े, हर परिवार की आमदनी बढ़े। और आप पूरे भारत के राज्यों की तुलना करेंगे तो नागरिकों की आमदनी बढ़ने के मामले में भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पर खड़ा होगा। की जनता का आशीर्वाद और सहयोग नहीं होता तो सिरोही महोत्सव 2022 और सिरोही महोत्सव 2023 इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता। और सिरोही की जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो 2022 का शिवगंज महोत्सव और 2023 का शिवगंज महोत्सव ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं करता कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कैलाश खेर तक को कहना पड़ा कि इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता। आप सब लोगों ने ये उम्मीद पैदा की तो निर्दलीय लड़ लिए और लड़ लिए तो उस समय चुनाव के वक्त मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान में कोई भी सरकार बनो सिरोही के एमएलए के बिना नहीं चलेगी। और आपने 4.5 साल में देखा कि आपका ये भाई इस सरकार के साथ कैसे भी लालच आए हो, कैसे भी प्रलोभन आए हो, इस सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे। और वो जो दो भाई निकले हुए थे सरकारों को गिराने के लिए, जनता ने तो सरकार कुछ और बनाई और ये दोनों भाई निकलते थे विधायकों को खरीदने के लिए कि आप लोगों को सिरोही के लोगों को जो इलाज के लिए पालनपुर और मेहसाणा जाना पड़ता है, आपके आशीर्वाद से यदि राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा तो सिरोही में मेडिकल कॉलेज हो। तब हमारे बीजेपी के दोस्त मेरी मजाक उड़ाते थे, लो भारोनल संयम लुड़ा हीरोई में मेडिकल कॉलेज खोले, क्यों? कि यहां सिर्फ 150 बेड का हॉस्पिटल था और 150 बेड के हॉस्पिटल में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से विनती की कि हम पिछड़े जिले में हैं, महत्वाकांक्षी जिले में हम बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से महरूम है। उन्होंने विशेष छूट देते हुए नीति आयोग से अनुमति प्राप्त की कि 150 बेड का हॉस्पिटल होने के बाद भी सिरोही के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आने वाले समय के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है जिसका निशान है हाथ, और हमारे इस हाथ में एक विकास की चाबी के रूप में एमएलए साहब मिले हैं जो कि बहुत ही विकास की चरम स्तर पर लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चाबी को एक मास्टर की बनाए और वापस जीता के लावे और अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया ताले खुद के विकास के। धन्यवाद। विकास को मद्देनजर रखते हुए जो ये पालकर जी वाटर फ्रंट गार्डन बनाने का बीड़ा उठाया है, आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर और भी इन्होंने जो इस तालाबों के विकास के लिए जो फंड लाया है इसकी सूरत और सीरत बदलेगी। इस मौके पर मेरा विधायक जी से एक ही निवेदन है कि हम यहाँ पे प्रतिवर्ष गर्मी के अंदर जिला जल बिरादरी से यहाँ पे जनता के सहयोग से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब की डीसीटिंग भी करवाते हैं और आपने भी इसमें सहयोग दिया हुआ है। यहाँ के लोग भी बैठे हुए जो अपना श्रम दान करते हैं, इस तालाब में पानी के आने के आवक मार्ग बंद है और पीछे से भी आवक मार्ग बंद है। आप भौगोलिक स्तर पर इसकी पूरी जानकारी लेकर इन तालाबों को मूल स्वरूप में लावे और आप इन तालाब और बावड़ियों के उद्धार के लिए जो कार्य कर रहे हैं यह आपके कार्य को सराहा जाएगा और आने वाले समय में सिरोही की सूरत और सीरत बदले और पवित्र सिरोही में जिले का नंबर वन बने। कालका जी तालाब में भी नक्की की तरह बोटिंग हो गए, नक्की झील से भी बड़ा ये तालाब है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं ऐसा सिरोही जिले की जनता की भी।